करिश्मा। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरे थे, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि राजभवन मार्च इनका निकला हुआ था, इस दौरान पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया। बता दें कि अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार की तरफ से इन पर लाठियां बरसाई जा रही है। अब ये तस्वीरें सीटेट और बीटेट के आंदोलन का है, जहां अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे और इस दौरान पुलिस उन पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दे रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गए हैं और अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए। तस्वीर जो है डाकबंगला चौराहे की देख सकते हैं किस तरीके से। सारा आ गया ना, सरकार के पास आप लोगों की बात पहुंच गई है, बात समझ लो। 3 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हमारे से मांग मंगवा दीजिए। सरकार के पास आपकी मांग पहुंच गई है, पहुंच गई। हम लोग से किरोसिन तेल छिड़क छिड़ लिया अभ्यर्थियों ने, जो है आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। और बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी पर आज पुलिस के द्वारा लाठी भांजी गई। ये शिक्षक अभ्यर्थी सातवें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला चौराहा के पास। जब ये अभ्यर्थी पहुंचे तो इन पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहा से आई है, जहां एक लड़की प्रदर्शन करने पहुंची हुई थी और उस पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके बाद ये लड़की बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। लड़की के हाथ में आप देख सकते हैं कि तिरंगा है, तिरंगा लिए अभ्यर्थी ये सड़क पर उतरी थी और प्रदर्शन कर रही थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी पर एडीएम साहब ने लाठी चार्ज किया था, वो भी अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिया था। इसके बावजूद भी एडीएम के सिंह ने उन पर लाठी चार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी का कहना है कि वो 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से सिर्फ सरकार के द्वारा आश्वासन मिल रहा है। सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव कहते थे कि पहली कैबिनेट में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश और तेजस्वी भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों का भविष्य से अंधकार में दिखाई दे रहा है। कुछ ने कहा कि हम करो या मरो सोच कर आए थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि सातवें चरण में के 1 से 8 तक का नोटिफिकेशन को लेकर सरकार सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। लगातार ये अभ्यर्थी सड़क पर उतर कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार गर्दनीबाग में ये शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज ये अभ्यर्थियों का बांध टूट पड़ा और ये सड़क पर उतर गए। जब ये राजभवन जा रहे थे तभी डाक बंगला चौराहा के पास शिक्षक अभ्यर्थियों पर
पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।